हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी चटनी की रेसिपी। आप इसे सैंडविच के साथ, चाट के साथ खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी जार लिया है और एक कप हमने हरा धनिया लिया है फ्रेश। हरा धनिया को हमें डेंठल से ही ती लेना है, डेंठल से ही चटनी का स्वाद अच्छा आता है। और आधा कप हमने पुदीना लिया है, पुदीना को हम डाल देंगे। 6 से 7 हमने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को हमने कट करके लिया है। आपको चटनी कम तीखी चाहिए तो आप हरी मिर्च को कम कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी तीखी बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। 2 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं, अदरक को हम डाल देंगे। 4 हमने लहसुन लिए हैं, लहसुन को ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा को ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हमने रोस्टेड चना दाल ली है, रोस्टेड चना दाल को फुटाना दाल भी बोलते हैं। अब हम रोस्टेड चना दाल को डाल देंगे। 1 चम्मच हमने चीनी ली है, चीनी को डाल देंगे। 1 चम्मच हमने नमक लिया है, नमक को डाल देंगे। और आधा नींबू लिया है हमने, नींबू का रस निकाल लेंगे। ग्रीन चटनी बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है फ्रेंड्स, और पकोड़े के साथ, सैंडविच के साथ, चाट के साथ आप इसे खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। 4 चम्मच हमने ठंडा पानी लिया है, तो पानी को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चटनी का कलर भी देखिए फ्रेंड्स, एकदम हरी हरी बनके तैयार हुई है। और चटनी की थिकनेस भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आई है। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।